दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधायक अनिल बाजपेयी ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने आप पर निशाना भी साधा। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, आप इसे बहुत से पत्रकार वर्ग भी जानते हैं कि दिल्ली में बिजली और उसके लिए जब एक संघर्ष दिल्ली में एक आवाज चल रही थी, उसमें माननीय विजय गोयल साहब भी हमारे साथ जो है वो भी हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे। और उसी समय हम लोगों ने एक कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, अन्ना आंदोलन की, तो हमको लगा कि कम से कम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन उसके बाद भी 4 साल विधायक रहने के बाद भी जो मान सम्मान और जो उनके द्वारा उनकी पार्टी के द्वारा की गई उसके तुष्टिकरण की जो राजनीति, इससे कहीं ना कहीं आहत है। और कोई भी हो राजनीतिक जीवन में, परिवार में, सामाजिक के अंदर अगर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और इज्जत न हो, विधायक तो आज है कल आदमी नहीं रहता, लेकिन जीवन में अगर सार्वजनिक प्रतिष्ठा और सम्मान ना हो तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। और मेरे से भी व्यक्ति को कम से कम एक बहुत बड़ी मेरे को प्रतिष्ठा पे आघात पहुँचा है। वाजपेयी गांधीनगर से विधायक हैं, कुछ दिनों से वो आप से नाराज थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशों और पार्टी की तरफ से उतारे गए उम्मीदवारों को लेकर नाराज चल रहे थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।